अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा समेत अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारतीय वायुसेना के साथ कड़ी निगरानी कर रही है। क्षेत्र में होने वाली सभी गतिविधियों पर इंडियन एयरफोर्स की पूरी नजर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान को तैयार कर दिया गया है। सूत्र कहते हैं भारतीय एयरफोर्स और आर्मी एक साथ एक परिस्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने क्षेत्र में निगरानी के लिए विमानों को उड़ाने की संख्या बढ़ा दी है। इसका मकसद साफ है कि किसी भी तरह से भारतीय सेना अब पीछे नहीं हटना चाहती और अगर चीन कोई नापाक साजिश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। भारतीय सेना की ओर से तवांग में हुई झड़प की जानकारी दी गई थी। भारतीय सेना की ओर से बताया गया था कि इस झड़प में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए हैं। लोकसभा में भारत के रक्षा मंत्री ने भी इसकी जानकारी दी और बताया कि दोनों देशों के सैनिकों की झड़प में कोई भी भारतीय जवान शहीद नहीं हुआ है, न ही कोई गंभीर रूप से घायल है। रक्षा मंत्री ने बताया था कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने उनकी पोस्ट तक खदेड़ दिया। साल 2020 के बाद चीन और भारत के बीच ये पहली झड़प है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गई थी, जिसमें कई भारतीय जवान भी शहीद हुए थे। लेकिन इस बार भारत की तैयारी पूरी थी। यही कारण है कि तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच जब झड़प हुई तो भारतीय सैनिकों ने चीन को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। अब इस मामले में चीन की सेना ने भी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सेना ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक अवैध तरीके से सीमा पार कर रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे चीनी सैनिकों के काम को बाधित कर रहे थे, जिसके बाद दोनों पक्षों में झड़प हो गई। वहीं चीनी सेना की ओर से कहा गया है कि भारत बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले सैनिकों को सख्ती के साथ नियंत्रित करे और चीन के साथ मिलकर सभी सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल करे। दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्रालय ने इस झड़प को लेकर भी बयान दिया। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि बॉर्डर पर स्थिति स्थिर है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से सैनिकों के घायल होने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स और सूत्रों का कहना है कि भारतीय सैनिकों से ज्यादा चीनी सैनिक इस झड़प में घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।